नमस्कार, मैं सास बहु रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मयूरी और ये है मेरे मम्मी जी मिसेस चाइना बेन। तो मम्मी जी, आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम केला मेथे के भजिए बनाएंगे। तो बनाना और मेथी के भजिए बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये हमने एकदम राइप बनानास लिए हैं, उसके साथ हमने लिया है चॉप किए हुए मेथी के लीव्स, उसके साथ है बेसन, सोडा बाइकार्ब, ग्रीन चिलीज का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, हींग, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और हमने जो राइप किया हुआ बनाना लिया था उसे हम पील ऑफ कर देंगे। पील ऑफ करने के बाद हम बेसन में ऐड कर देंगे। तो राइप बनाना को हम लाइटली मैश कर देंगे बेसन में ही, एकदम अच्छे से हमें मैश कर देना है। बेसन में ही हमें बनाना को मैश करना है और ये रेसिपी के लिए हमें एकदम राइप बनानास ही लेने हैं। बनाना और बेसन के मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे चॉप की हुई मेथी के लीव्स। अब हम ऐड करेंगे टर्मरिक, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर और हींग और ब्लैक पेपर पाउडर और सोडा बाइकार्ब, और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बैटर में जो है हमें पानी डालने की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि राइप बनानास होंगे इसके अंदर, तो वो अपने आप में थोड़े से पानी छोड़ेंगे मैश होने के बाद। और अब हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम तेल। एक चम्मच हमने गरम तेल ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से ये जो हमने बैटर तैयार किया था उसके हम पकौड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम बैटर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे ऑयल में। इस तरह से हमने बैटर को ऑयल में ऐड कर देना है डायरेक्टली। हमारे बनाना और मेथी के पकौड़ों को हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हो कि ये पकौड़े जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हम अभी इसे निकाल लेंगे एक डिश में। तो हमारे बनाना और मेथी के पकौड़े तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।